एंड वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। सैफ की शरारत पर करीना ने दिया कौन सा जवाब, दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। फिल्म नौटंकी साला के फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर आयुष्मान खुराना और कुणाल कपूर ने किसका बनाया मजाक। बताएंगे अक्षय कुमार ने एक रियलिटी शो के सेट पर मीडिया को क्यों किया बैन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कल जूम पर हमने आपको दिखाया था कैसे फिल्म पर अवार्ड्स नाइट पर शाहरुख खान और सैफ अली खान ने बनाया था सलमान का मजाक, और आज देखिए सैफ की इस शरारत पर उनकी बेगम करीना कपूर का क्या कहना है। टेक अ लुक। रिसेंट एक अवार्ड फंक्शन हुआ है जहां पर शाहरुख और सैफ ने साथ में होस्ट किया है। आपको पता होगा सैफ सेड, शाहरुख सेड, आप इतने कॉन्ट्रोवर्सीज में रहते हो, कौन बचाएगा आपको। एनी सेट की जब तक है सलमान, जब तक है सलमान। ना ये स्टाइलिश सवाल है, ना ये कुछ किताब से लेना देना है, तो आई एम ओनली गोना आंसर स्टाइलिश क्वेश्चंस टुडे, दैट्स व्हाट इट इज। आई एम ओनली गोना आंसर स्टाइलिश क्वेश्चंस टुडे, दैट्स व्हाट इट इज। सैफ अली खान ने शाहरुख खान को मुफ्त की सलाह देकर जो सवाल उठाया है उस पर करीना की राय लेकर आ गया है जूम, क्योंकि शादी के पहले की बात अलग थी, तब दो बदन एक जान नहीं थे करीना और सैफ, लेकिन अब जब करीना बन गई हैं सैफ अली खान की बेगम, तो ये जानना तो जरूरी हो ही गया है कि क्या करीना को खबर भी है कि आजकल सैफू मियां क्या गुल खिला रहे हैं। क्या करीना को पता है कि फिल्म फेयर की जल्द ही टेलीकास्ट होने वाली अवार्ड्स नाइट में सैफ और शाहरुख ने मिलकर सलमान का कितना मजाक बनाया है। यहाँ तक कि मीडिया के किंग खान के पीछे पड़े रहने का इल्जाम भी सैफ ने सलमान पर लगा दिया। लेकिन जैसे ही हमने अपनी स्टाइल डायरी लॉन्च करने आई करीना से किया फिल्म फेयर में हुए इस एक्ट का जिक्र, करीना को सता गई न जाने कौन सी फिक्र। ना ये स्टाइलिश सवाल है, ना ये कुछ किताब से लेना देना है, तो I'm only gonna answer stylish questions today. That's what it is. अब ये बताने की जरूरत नहीं कि करीना को क्या फिक्र हुई होगी, सलमान की तरफदारी करें तो किंग खान फिर हो जाएंगे नाराज। Because you know what is the next question? That who is the genius? I said Shahrukh, they've not printed that. That is coming on TV. They've just taken experts from the interview. It was a rapid fire in which they said who is the genius of the industry. I said Shahrukh. Then the next question was God of acting. So I said Aamir. इसीलिए करीना ने सवाल को इग्नोर करके अपनी स्टाइल डायरी को प्रमोट करने में ही अपनी भलाई समझी। There have been many big days in 2012 in my life, as you all know. But I think today is a very, very, very big day for me, because it's the first time that the entire world and all my fans, it's are going to know me through just this small little diary, even if it's a style diary. But as you read the pages and as you turn the pages, you get to know Karina the person. वैसे इस डायरी के कोई भी पेज पलटे बगैर सलमान करीना को पूरी तरह पढ़कर मीडिया को बता चुके हैं कि करीना है कैसी। करीना कैसी हैं? जैसे आपने पूछा कि वो थ्री खान्स के बारे में, अब जब आप अपनी मम्मी के पास होते हैं, मम्मी ने पूछा कि हूज़ बेटर, मम्मी और डैडी, आप क्या बोलोगे? मम्मी बोलोगे ना, और जब डैडी के साथ होते हैं तो क्या बोलोगे? डैडी ना। लेकिन जब करीना के सामने सैफ और एसआरके के एक्ट पर सफाई देने का सवाल था, तब उनके सामने ना तो उनकी सो कॉल्ड मम्मी ही थी और ना ही पापा था, तो बस ये सवाल कि क्या सलमान और सैफ की दोस्ती पर कोई असर नहीं डाल पाएगा फिल्म फेयर का ये एक्ट। अब सैफ ने भले ही फिल्म फेयर के अवार्ड्स नाइट में सलमान का मजाक बनाकर उनकी कितनी ही बैंड बजाई हो, पर लगता है करीना बिल्कुल तैयार नहीं कि सलमान या शाहरुख उनकी किसी बात पर भी खिंचाई करें, इसीलिए उन्होंने सवाल को बना दिया छोटा और इस इवेंट में विदाउट बॉडीगार्ड आकर मुंबई में खुद को सेफ फील करने के मुद्दे को बना दिया इवेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट। द मोस्ट स्टाइलिश थिंग अबाउट करीना कपूर इज द फैक्ट दैट शी डजंट रिक्वायर बॉडीगार्ड्स, दैट शी कम्स माइनस सिक्योरिटी, दैट शी सेज शी इज लिव्ड इन दिस सिटी, फील्स सेफ इनफ टू ट्रैवल विदाउट एनीबॉडी अराउंड हर टू प्रोटेक्ट हर, is already making a very big statement. पर बॉडीगार्ड्स को गैर जरूरी बताने की बात का कहीं कोई गलत मतलब ना निकल जाए, इसीलिए लगता है रखा गया था खास ध्यान। तभी तो शोभा डे ने उनके ऑन स्क्रीन बॉडीगार्ड सलमान भाई का किस्सा यहाँ जानबूझकर छेड़ा।
She did have a rather sexy bodyguard on screen. She did have a rather sexy bodyguard on screen. यानी लवली सिंह के लिए भी करीना ने दिखा दी अपनी लॉयल्टी. साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड्स में हुए खान वॉर पर अब तक के सबसे बड़े स्पूफ पर चुप्पी रखकर उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वो एसआरके की सबसे चहेती एंड स्टाइलिश ऑन स्क्रीन छम्मक छल्लो भी हैं. यानी लगता है सैफ के स्पूफ्स का खामियाजा उनकी बेगम उठाने को तैयार नहीं. वो तो मानो कह रही है कि फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट के स्पूफ से उनका नहीं है कोई भी लेना देना. ना ये स्टाइलिश सवाल है, ना ये कुछ किताब से लेना देना है. तो आई एम ओनली गोना आंसर स्टाइलिश क्वेश्चंस टुडे, दैट्स व्हाट इट इज. फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई. रिसेंटली हुआ आयुष्मान खुराना और कुणाल रॉय कपूर की नेक्स्ट फिल्म नौटंकी साला का ट्रेलर लॉन्च. और इस लॉन्च में इन दोनों एक्टर्स ने दिखाई जमकर नौटंकी. और इस नौटंकी के मेन किरदार रहे एक रीसेंट कंट्रोवर्सी में फंसे दो बीटाउन फेसेस. कौन थे ये, लेट्स फाइंड आउट. नाउ दैट यू ब्रॉट इट अप, आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू कि जो आप पहले भी सवाल कर रहे थे, लेट्स नॉट मेक द कंट्रोवर्सी. इफ यू डोंट कैरी वी विल नो दैट यू गाइस आर ऑन द राइट साइड. आखिर किस बात को लेकर रोहन सिप्पी मीडिया से गुजारिश कर रहे हैं कि इसे ना दिखाएं? आखिर उन्होंने यहाँ ऐसा क्या कर दिया जिसकी जरूरत ही नहीं थी? जी हाँ, रोहन सिप्पी ही नहीं, पूरी टीम ही इसे ना दिखाने और इसकी जरूरत नहीं होने पर सहमत है. मौका था रोहन की अगली फिल्म नौटंकी साला के ट्रेलर लॉन्च का. अब जैसे कि फिल्म के नाम में नौटंकी है तो यहाँ नौटंकी तो होनी ही थी. मगर ऐसी कौन सी नौटंकी की गई जिसे बाद में रोहन ने भी माना कि इसकी जरूरत नहीं थी. आप भी देख लीजिए. हाय, कौन है आप? मैंने केआर के को बुलाया. आप केयर के नहीं हो सकते. मैं ही हूँ केयर के. व्हाट? आई एम द ओरिजिनल केयर के यार. हाउ? अरे कुणाल रॉय कपूर यार, केयर के. कुणाल रॉय कपूर केयर के, ठीक है. मतलब कल तुम बोलोगे तुम एसआरके के भाई हो क्या? फिर क्या मैं मानूंगा क्या? ए डोंट सी दिस आरके एसआरके, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? दिस रियली इट्स कॉम्प्लिकेटिंग आवर होल फैमिलीज लाइव्स यार. केयर के एसआरके, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? In any case, I don't want to do all this nonsense. Yeah, I just want to go and kill myself. Can I just please go and kill myself? Please don't do that. You're killing yourself in the film. This is not the film. This is a trailer launch. Okay, okay, fine. So, call me in the morning and then call me names early in the morning. Okay, it's good to be KRK. He's the hero of the day. What day? Today? This day. That KRK? That KRK. Photo chapi hai paper mein, saath mein quote bhi hai unka. Achha? Haan. No, I'm not interested in all this. Tumhara Sunny Leon ke saath panga nahi ho? नहीं पंगा, आई मीन आई वांटेड द पंगा टू बी देयर, मगर कुछ हुआ नहीं. कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ नहीं. नथिंग एब्सोल्युटली नथिंग. लोग बोलते हैं एसआरके तुम्हारा भाई है, नहीं है क्या? शाहरुख खान? वो तुम्हारा भाई नहीं है? नहीं मेरा भाई नहीं. तो एसआरके कौन है तुम्हारा भाई? अरे जस्ट स्टॉप इट यार, स्टॉप दिस नॉनसेंस. कैन वी जस्ट, कैन वी वॉच द ट्रेलर? ओ सिद्धार्थ रॉय कपूर. अरे अरे या इसीलिए मिला ना तुम्हें रोल इस फिल्म में? या एक्चुअली दैट इज ट्रू. हां ओके. By the ladies and gentlemen, this is KRK Kunal Roy Kapoor. I am just AK Ayushman Khurana. Yeah. And हमारी फिल्म रिलीज हो रही है नौटंकी साला 12th of April 2013. लेकिन अभी ट्रेलर लॉन्च कर देते हैं. करते हैं. क्या करते हैं? बहुत हो गया यार. बहुत हो गई नौटंकी साला. चलो. जी हाँ, यहाँ आए तो थे KRK means कुणाल रॉय कपूर ही, मगर एक्टिंग की जा रही थी कमाल आर खान की. दरअसल बात यह है कि आजकल कमाल आर खान और सनी की कंट्रोवर्सी न्यूज में बर्निंग पॉइंट है. और हमारे बॉलीवुड में तो कोई भी ऐसे पॉइंट्स का फायदा उठाना अच्छी तरह से जानता है, और यहाँ पर भी यही हुआ. मगर जब ज़ूम ने रोहन सिप्पी से इस एक्ट के बारे में पूछा तो उनका जवाब कुछ ऐसा था. जो आप पहले भी सवाल कर रहे थे, let's not make the controversy, let's not take this forward and let it die a natural death. It is, let's make it a controversy. अभी आपके हाथ में, आप कितने जिम्मेदार हो, हम टेस्ट कर रहे हैं. आप लोग नौटंकी में हो, it's only us. So if you don't carry it, we'll know that you guys are on the right side. Well, Rohan, आपने तो इसे ना दिखाने की बात कही, मगर आपको शायद पता नहीं है कि ये बात KRK यानी कमाल आर खान तक पहुंच चुकी है. तो जरा रिएक्शन भी सुन लीजिए. उसका क्या है, देखिए, वो जो भी कुणाल रॉय कपूर है उनको 100 साल लगेंगे KRK बनने में. 3-4 जन्म लेने पड़ेंगे उनको KRK बनने में. उनके एक भाई हैं शायद जो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं, वो सिर्फ उनके नाम की वजह से शायद वो उस स्टेज पे भी खड़ा हुआ है, शायद वो उस फिल्म में भी काम कर रहा है सिर्फ उनके नाम की वजह से.
अगर उनकी खुद की हैसियत तो मेरे ख्याल में कहीं किसी ऑफिस में चपरासी की भी नहीं है। आयुष्मान खुराना को शायद ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है, वो शाहरुख खान बन गया है। आयुष्मान खुराना जो है वो हज्जाम था, हज्जाम ही रहेगा और जिंदगी भर, और जिस दिन वो स्टार बन जाएगा उस दिन मुझे बताना, मैं खुदकुशी कर लूंगा। शायद इसी रिएक्शन का डर था जो रोहन को समझ में आ गया और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही। Now that you brought it up, I would genuinely request you कि जो आप पहले भी सवाल करते थे, let's not make the controversy. So if you don't get it, we'll know that you guys are on the right side. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. कमाल आर खान और सनी लियोनी के बीच शुरू हुई जंग अब बढ़ गई है एक कदम आगे, विद केआरके फाइलिंग अ केस अगेंस्ट सनी नाउ इन पुलिस। इस मुद्दे पर कमाल ने हमसे की बात भी, टेक अ लुक। एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर कमाल आर खान के सनी लियोनी के लिए किए गए कमेंट्स ने अब हंगामा मचा दिया है। दोनों ही साइड से पुलिस कंप्लेंट्स होने लगी है। जी हाँ, सनी लियोनी ने साइबर क्राइम में इस केस के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कराई है, वहीं अब कमाल आर खान ने पुलिस का सहारा ले लिया है। कमाल आर खान के इसी ट्वीट ने हंगामा मचा दिया था। इस पर सनी ने भी इसी साइट के जरिए क्लैरिफिकेशन भी दी, मगर अब मुद्दा सिर्फ साइट तक ही नहीं बल्कि आगे भी बढ़ चुका है। कमाल ने पुलिस में दो कंप्लेंट्स लिखाई हैं। एक, कमाल का कहना है कि जिस अकाउंट से किसी भी एक्टर या सनी के लिए अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज की गई है वो कमाल का अकाउंट नहीं है बल्कि ये है एक फेक अकाउंट। सनी लियोनी ने अपनी कंप्लेंट में कहा है कि मैंने उनके बारे में शायद कुछ गलत लिखा है, बट ये मेरा फेक अकाउंट है जिससे शायद उनको कुछ अगर गालियां वालियां दी होगी, कुछ कहा होगा, मुझे पता नहीं है, ये मेरा फेक अकाउंट है। और इसका इनको मैंने बोला कि भाई इसको आप फाइंड आउट कीजिए कि ये कौन है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने खाली उनका एक ट्वीट था जो उन्होंने कहा था कि रेप इज़ नॉट ए क्राइम, इट इज़ ए सरप्राइज सेक्स, मैंने सिर्फ वो रीट्वीट किया था। और मैंने नहीं, वो सैकड़ों लोगों ने रीट्वीट किया था, कोई मैं अकेला नहीं। जैसे ही उन्होंने वो डिलीट किया तो वो सबका, जाहिर सी बात है, डिलीट हो जाता है जब रीट्वीट कोई भी होता है। अब वो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है वो जानती है कि उन्होंने क्यों लिखा था और क्यों उनको प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ है। और दूसरी कंप्लेंट उन्होंने सनी के फ्रॉड होने की दर्ज कराई है। हाँ, उन्होंने भी कंप्लेंट किया, हमने भी कंप्लेंट किया। अब जो भी होगा वो तो पुलिस फाइंड आउट करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। जो भी कोर्ट में जाएगा, जो भी जहाँ भी जाएगा वो देखेंगे। Well, कमाल ने इसके साथ साथ सनी को वार्निंग भी दी है। अब उनको तैयार रहना चाहिए कि उनके खिलाफ जो है केस बिहार में, यूपी में, अभी इंडिया में कम से कम उनके ऊपर अगले चार दिन में 10-15 केस होंगे, तो अब उनको तैयार रहना चाहिए सारे केस फेस करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सनी लियोनी, जिन्होंने केआरके के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट भेजी है टू द साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल ऑफ द मुंबई पुलिस, हैज सेड, In normal cases, I would have ignored this man's tweet, but it became an issue and I'm not insensitive. Being a woman, I'm not one to make a loose comment on rape. At a time when the country is in the aftermath of what happened in New Delhi, it is disgusting for someone to make a joke out of this. I strongly condemn the man's incorrect and insensitive statement and his false accusation of me having made a callous remark like that. Well, Kamal ki to aisi baatein karne ki aadat hai. मगर अब जबकि ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच ही गया है तो देखते हैं कि खत्म कहां होता है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। संजय दत्त को आजकल याद आ रहे हैं अपने पुराने दिन और अपने कुछ पुराने खास दोस्त भी, जिसकी झलक आपको देखने मिलेगी उनकी अगली फिल्म जिला गाजियाबाद में। क्या है संजू बाबा की ये यादें, आप नेक्स्ट। संजू बाबा को याद आ रहा है अपना साजन। ये साजन संजय का पुराना साजन है। अपने फिल्मी साजन माधुरी दीक्षित को संजय दत्त ने याद किया है अपने आने वाली फिल्म जिला गाजियाबाद में। संजय दत्त ने इस फिल्म में अपनी ओल्ड फिल्म साजन का सॉन्ग डलवाया है। पुलिस अफसर बने संजू इस फिल्म में साजन का सॉन्ग सुनते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, संजय दत्त ने जिला गाजियाबाद के एक डायलॉग के जरिए माधुरी दीक्षित से शिकायत भी कर दी। संजय का कहना है कि माधुरी उन्हें मिलती कहाँ है, अब कहीं इस बात का रियल स्टोरी से कोई कनेक्शन तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेश से आई माधुरी के पास बाबा के लिए टाइम ही नहीं है। वैसे एक टाइम पर संजय दत्त और माधुरी की बॉन्डिंग के किस्से काफी फेमस थे और अब जिला गाजियाबाद के जरिए संजय दत्त हैज रिविजिटेड द ओल्ड मेमोरीज। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। So
रिसेंटली एक इवेंट पर अपने ब्रांड को प्रमोट करने पहुंची एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने अपकमिंग फिल्म्स की डिटेल्स की शेयर. टेक अ लुक. वी ऑल नो दैट धक धक गर्ल माधुरी इज फेमस फॉर हर स्माइल. और अपने इसी स्माइल को बरकरार रखते हुए माधुरी पहुंची टू एंडोर्स अ टूथब्रश ब्रांड एंड वी गॉट हर इन अ कैंडिड कन्वर्सेशन विद अस. सो लेट्स हियर फ्रॉम माधुरी. वैसे जब भी कोई लड़की स्माइल करती है हमेशा ये उसे ध्यान तो रहता है कि स्माइल हो तो माधुरी दीक्षित जैसी. तो माधुरी खुद मेरे साथ हैं और बताएंगी माधुरी दीक्षित स्माइल कैसे पाई जाए कि कोई भी लड़की अगर स्माइल करे. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दांत हेल्थी होने चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच टुडे बाय द स्माइल इंडिया मूवमेंट 3 ओरल बी ने लॉन्च किया है. और वी ट्राइंग टू से कि अगर आपके दांत हेल्दी है तो आप में कॉन्फिडेंस है, आप स्माइल भी उतने कॉन्फिडेंटली करेंगे. तो प्लीज़ ब्रश ट्वाइस अ डे फॉर 2 मिनट्स और हर 6 महीने अपने डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए. अच्छा और आपने काफ़ी चीज़ें बताई कि कैसे आप कभी स्टिकी सिचुएशन में आपकी स्माइल ने आपको इट हेल्प यू कम आउट ऑफ इट. बट देर बीन टाइम्स जब आपने स्टेज पर 2-3 बार बोला मगर किसी ने पूछा नहीं ट्रबल कैसे आप हाउ डिड यू फॉल इन टू ट्रबल विद दिस ब्यूटिफुल स्माइल. कहते हैं ना ज़्यादा खूबसूरत स्माइल हो तो भी ट्रबल होता है. कैसे मैं जानना चाहूँ. दैट इज द ट्रबल व्हेन पीपल लाइक इट टू मच एंड देन पीपल लाइक यू टू मच एंड कोई पीछे पड़ गया. हाँ बिल्कुल. मगर फिर उसमें से कैसे निकला जाए फिर यू कांट स्माइल मोर आई मीन क्योंकि योर स्माइल इज एडिक्टिव. स्टॉप स्माइलिंग एट दैट पर्सन पर्टिकुलर. बिल्कुल ऐसे गिव दैट स्टेयर राइट गो अवे. और स्माइल आपकी अपकमिंग फिल्म जो है गुलाब गैंग में तो कहीं दिखेगी नहीं माधुरी की स्माइल उसमें. नहीं सब दिखेगा मतलब इट्स नॉट जस्ट अ वेरी इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मूवी एंड आई थिंक देयर आर टू ग्रेट स्माइल्स इन द मूवी. टू ग्रेट स्माइल जूही चावला एंड मी. Absolutely. So we hope you both of you will be flashing more of your smiles but it's a serious film of course. Right. Well, it has all ingredients. और डेढ़ इश्क क्या का मतलब what's the status like you know we keep hearing every day इसने इसको replace कर दिया क्या हो क्या रहा. Nothing is going to start in mid February. Okay fine thanks a lot and hopefully we keep seeing this beautiful smile always. Thank you. For Ilika Shivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अक्षय कुमार ने एक रियलिटी शो के सेट्स पर मीडिया को क्यों किया बैन. रिसेंटली एक रियलिटी शो के सेट्स पर पहुंचे अक्षय कुमार ने मीडिया की एंट्री पर क्यों लगा दिया बैन. फाइंड आउट एक्सक्लूसिवली इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. अक्षय कुमार को अपने पास्ट से लगता है डर. अक्षय नहीं चाहते हैं कि उनके पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में कोई करे बात. जी हाँ अक्षय कुमार का ये डर तब नजर आया जब वो एक रियलिटी शो के सेट्स पर अपनी फिल्म स्पेशल 26 को प्रमोट करने पहुंचे. इस रियलिटी शो के सेट्स पर जब जब कोई स्टार अपनी फिल्म को प्रमोट करने आता है तो यहाँ मीडिया को जरूर बुलाया जाता है. लेकिन जब अक्षय यहाँ अपनी फिल्म स्पेशल 26 को प्रमोट करने पहुँचे उन्होंने शो के मेकर्स को पहले ही बोल दिया कि मीडिया के लिए लगा दिया जाए नो एंट्री का बोर्ड. दरअसल इस रियलिटी शो में अक्षय की एक्स शिल्पा शेट्टी जज हैं और अक्षय को लगा अगर इस रियलिटी शो पर अपनी फिल्म को प्रमोट करने वो जाएंगे तो मीडिया उनकी पुरानी लव स्टोरी के किस्से फिर से दिखाने लगेगा. वेल अक्षय आप शायद इस शो के सेट्स पर मीडिया को बुला लेते तो शायद इतनी खबरें ना बनती. लेकिन आपके इस नो एंट्री के सजेशन की वजह से अब सभी जगह यही बातें हो रही हैं कि क्या अक्षय अभी भी शिल्पा से जुड़े अपने रिश्ते को नहीं भुला पाए हैं. Well, अक्षय को बॉलीवुड के यंग स्टार्स जैसे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण से सीख लेनी चाहिए. आज रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बावजूद ना सिर्फ ये दोनों स्टार्स साथ फिल्म कर रहे हैं बल्कि इन्हें पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर साथ आने में भी कोई दिक्कत नहीं. Well, अक्षय इट्स टाइम टू लर्न फ्रॉम द यंग स्टार्स. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई. विद दिस इट्स अ रैप. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's number 1 Bollywood channel.